हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइस, आपको पता है इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन में क्या है गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ए फोर शीट का जो बंडल होता है ना, या फिर ए फोर शीट जो है ख़त्म होने वाली होती है और आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शीट की रिक्वायरमेंट है। सपोज दैट आपके पास 50 शीटें हैं, लेकिन आपको जो पेज प्रिंट करने हैं वो आपको 150 करने हैं, तो क्या आप और मार्केट से आकर पेज खरीद कर लेकर आओगे? तो ऐसा भी ऑप्शन है कि आप खरीद कर लेकर आओ, भाई मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आप एक ट्रिक अपना करके एक ही पेज पर एक से ज़्यादा पेज प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, आपको हैरानी हो रही होगी, यस, एक पेज पर एक से ज़्यादा पेज प्रिंट कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे पेज सेव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो हो सकता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। छोटी सी वीडियो है और इन्फॉर्मेशन आपको पक्का पसंद आएगी। तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट खोलना है जिसको मुझे प्रिंट करना। तो सपोज़ दैट मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, एक मेरे पास नोट्स हैं, मुझे ये इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स को प्रिंट करना, तो मुझे करना क्या होगा? करना ही होगा, प्रिंटर के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप प्रिंटर के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ये इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई, आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन आ चुके हैं कि आपने एप्सन ये एक प्रिंटर जो है L4160 सीरीज़ का कनेक्ट किया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं इसकी नहीं बता रहा कि आपको कलर कौन सा यूज़ करना है इसके अंदर, ये आपको कलर में करना है या फिर आपको ब्लैक एंड वाइट में करना है, तो ये सेविंग इंक टोनर वगैरह मैं इसके बारे में नहीं बता रहा। एक्चुअल में मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है, क्या आप एक शीट पर आप कई सारी शीट प्रिंट कर सकते हैं, कई सारे पेजेस प्रिंट कर सकते हैं? तो जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ साइज़, पोस्टर, अगर आपको पोस्टर बनाना तो पोस्टर, बुकलेट बनानी है तो बुकलेट, और साइज़ तो आपके सामने है। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक पेज पर काफ़ी सारे पेज प्रिंट करने हैं, तो मैं मल्टीपल पे क्लिक कर दूंगा। अब मल्टीपल के अंदर ये जो नंबर है ना, 4 और 2, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। अब वो कैसे करते हैं आपको पता लग जाएगा। अगर यहाँ मैं 1x1 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है, मेरे पास 1x1 का मतलब ये है कि मेरे पास जो है 1x1 में देखिएगा, एक ही रो होनी है और एक ही कॉलम होनी है। तो 1x1 के हिसाब से तो मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, देखिएगा, इस तरह से बनेगा कि एक ही पेज पर एक ही प्रिंट होगा। तो 1x1 में तो ये आ जाएगा, 1 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है, 1 रो 1 कॉलम। बट अगर मैं इसको 2 एंड 1 कर देता हूँ तो इसका मतलब यह है, 2 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 वन से 2, तो एक पेज पर आप 2 पेज प्रिंट कर लोगे, देखिए इस तरह से। अभी आपके ऊपर है कि पोर्ट्रेट मोड में रखना है फिर लैंडस्केप मोड पर रखना। तो ये 2 वन से 2 मतलब आप 2 पेज प्रिंट कर सकते हो। अगर यहाँ 1 की जगह 2 लिख दोगे तो 2 2 से 4, 2 रो बन जाएंगी और 2 कॉलम्स भी बन जाएंगी यहाँ पर, देखिए इस तरह से 2 रो आ चुकी हैं और 2 ही कॉलम आ चुकी हैं। तो ये रो वर्सेस कॉलम है, 2x2, आप ध्यान रखिए। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, देखिएगा तो क्या हाल होने वाला है। 3 होते ही आप ये देखिएगा, देखिएगा भाई, यहाँ पर आपको रो 2 दिखाई देंगे और कॉलम्स कितने दिखाई देंगे आपको, रो तो 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं। अब कोई कहेगा कि भाई कॉलम तो इसको बोलते हैं, भाई मेरे पेज के फॉर्मेट के हिसाब से मैंने लैंडस्केप किया हुआ है, तो फिलहाल मैं इसको मैं पर्टिकुलर को रो बोलूँगा और इसको मैं कॉलम्स बोलूँगा, जो भी आप बोलना चाहें बोल दें, मेरे हिसाब से तो ये है फिलहाल, क्योंकि मैंने लैंडस्केप मोड पे किया हुआ है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि रो क्या है और कॉलम क्या है, हमारा मोटिव ये है कि एक पेज पर एक से ज़्यादा पेज कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो वो हमारा मोटिव फुलफिल हो रहा है। अब यहां से देखिएगा, 2 3 6, तो एक पेज पर 6 पेज प्रिंट हो सकते हैं गाइज। ये बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी और खुशी भी हो रही होगी आपको, जिन लोगों से ये चीज़ नहीं आती है कि यार हम बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे नोट्स जो बच्चा बनाता है वो प्रिंट करवाता, तो यार ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो अब आप ये कर सकते हैं कि एक पेज पर आप बहुत सारे पेज प्रिंट कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। अब यहाँ पर अगर मैं 3 कर देता हूँ, 3 3 से 9, तो एक पेज पर 9 पेज आ जाएंगे, देखिएगा वाओ। तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं यार इस चीज़ से, बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप जितने चाहें इतने, मैं इसको 5 कर देता हूँ, 5 3 15, तो एक पेज पर 15 आएंगे, देखिएगा देखिएगा एक पेज पर 15, तो है ना कमाल की चीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, वीडियो तो पसंद आई होगी पक्का। अब यहाँ पर प्रिंट कमांड जैसे ही दोगे तो जो प्रिंटर आपने कनेक्ट किया हुआ है उससे ये प्रिंट हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ इसके अंदर, या फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है,
डुप्लेक्स प्रिंटिंग आप जानते ही होंगे, अगर डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं जानते तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमें एक पेज पर मल्टीपल पेज प्रिंट करने की ट्रिक जाननी थी, वो आपको मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।